दोस्तों, अगर आप लोग पास में ये वाला ब्लूटूथ है, देखिए इस ब्लूटूथ को सही से, अगर ये वाला है स्पीकर आपके पास में, ब्लूटूथ स्पीकर, इसका नाम तो TG113 है। अगर ऐसा कोई सा भी ब्लूटूथ आपके पास में है या फिर दूसरा भी ब्लूटूथ आपके पास में है, अगर वो चालू नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑन जो होता है ना तो ऑन नहीं हो रहा है, चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज में लगाने से सिर्फ यहाँ पर लाइट तो ऑन होती है यहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि चालू नहीं होता, ये ऑन होता नहीं है, बस लाइट्स ऑन होगी। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे करके होता है। मान लीजिए कि ये चार्जर मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लाइट तो जलेगी, लाइट जल रही है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे, और निकालने से बंद हो जाएगी, तो ऐसे हो रहा है, बस लाइट्स ऑन होगा इसका, लेकिन ये क्या हो ना कि ये ऑन नहीं होगा, ये लग तो गया लेकिन इसको अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, बस चार्जिंग में लगाने से लाइट जलता है और नहीं होता है। इसी को हम डिटेल्स में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम इसको सही कर लेंगे खुद से ही, किसी भी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही इसको अपने से ही सही कर लेंगे और चलेगा भी खूब अच्छा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप खुद से ही सही कर सकते हैं अपने कोई सा भी ब्लूटूथ स्पीकर हो उसको, और चालू करके आप चला सकते हैं उसको। तो उससे पहले दोस्त, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे, तो इसलिए अभी से आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं सीधा वीडियो पर, दिखाते हैं आपको कैसे इसको सही करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना, इसको तो ओपन करना पड़ेगा ना। अब देखिए चारों तरफ से पैक है, आप लोग कहीं पे इसमें बोल्ट तो दिख नहीं रहा होगा, कहीं पे भी आप लोगों को बोल्ट इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको ओपन कैसे करें? जब तक ओपन नहीं करेंगे, प्लेट बाहर नहीं निकालेंगे, तो कैसे रिपेयर करेंगे इसको? तो हमें इसे ओपन करना है। अगर आप लोग देखोगे ना इसे हटा करके इस रबड़ को, तो आपको यहाँ पर दो नट तो दिख जाएंगे, दो स्क्रू यहाँ पर दिख रहे हैं, एक स्क्रू यहाँ पर और एक स्क्रू यहाँ पर, दो तो दिख रहे हैं, लेकिन दो खोलने से तो नहीं होगा, और भी स्क्रू इसमें होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रबड़ है ना, इस रबड़ को आराम आराम से हटा लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको हटा लेंगे और रबड़ को अच्छे से इधर साइड में रख दिए। अब क्या करना है, किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से, आपके पास में स्क्रू ड्राइवर है तो वो ले लेंगे, और लेकर के इसको चारों बोर्ड जो है ना, इस चारों को खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे सही से। चारों को ओपन करता हूँ मैं। तो दोस्त, मैंने सारा बोल्ट इसका ओपन कर लिया है, अब सारा बोल्ट मैं निकालता हूँ। एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मुश्किल से आप लोग लें अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ, जिससे आपका स्पीकर जो है या फिर ब्लूटूथ है वो आप लोग सही कर पाते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ, बाद में आप लोग भूल जाएंगे, तो इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं। तो देखिए, जो मैंने इसको ओपन किया ना, इसका जो स्क्रू है वो तो मैंने खोल लिया, खोलने के बाद में अब क्या करना है, सिंपली बस इसको ऐसे ऊपर की तरफ आराम से निकाल लेना है, खींच के नहीं निकालना, क्योंकि इसके नीचे तार होता है, वायर लगी होती हैं, तो इसको हम ऐसे निकाल लिए। जो हमारा स्क्रू होगा उसको सही से रखना है, क्योंकि ऐसा स्क्रू जो है वो फिर मिलेगा नहीं, फिर आप इसको टाइट नहीं कर पाएंगे, तो हमें सही से इसको अलग कहीं पर भी सेफ्टी से रख लेना है। अभी आ गया हमारे पास में हमारा प्लेट, अब जो भी काम करना है हमें वो करने से पहले इसको देखिए, सही से देख लीजिए आप लोग, जो वायर लगाना आप ध्यान देंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाएं, उसके बाद ही निकालेंगे, ऐसा नहीं कि आपने। अब देखिए ये इसका देख लेना है कि पिन किसका किस में पिन लगा हुआ है, आप इसको थोड़ा अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये मेरे को याद है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आप कौन सा कहाँ से निकाल रहे हैं पिन को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसको ओपन कर दिया, निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग रखते हैं स्पीकर को साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो भी देखना है हमें पहले इसको चेक करेंगे, इसमें अगर प्रॉब्लम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर, तो हम फिर अपना स्पीकर उठाएंगे और उसमें देखेंगे, उसमें बैटरी लगी हुई थी तो बैटरी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस प्लेट को चेक करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है या फिर सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि चार्जर, यह जो चार्जर वो लगाता हूँ इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर ऊपर हमें सिर्फ ये देख लेना है, एक बार नज़र मार लेना है इसमें कि कोई आईसी, आप लोगों थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, कोई आईसी ऐसा तो नहीं है जो कि जली हुई सी तो दिख नहीं रही है ना आपको, ऐसा देख लेना है आप लोगों को। देखिए कोई ऐसी आईसी जो जहाँ पे इसमें जल गई होती है तो यहाँ पे छेद हो गया होता है, तो ऐसा कोई आईसी तो आपको नहीं दिख रहा ना, सभी यहाँ पे सही आईसी दिख रही हैं। तो ये अभी हम इसको साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी सही दिख रहा है। एक कोई प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि बैटरी से इसमें सप्लाई नहीं मिल पाता, तो वो हम सबसे लास्ट में चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि बैटरी सही है कि नहीं है। ये तो हमें सही मालूम है कि आईसी हमारा सब सही है, ठीक है। अब बैटरी को चेक करेंगे हम कि बैटरी हमारा कैसा है, तो इसको हम रखते हैं साइड में और ओपन करते हैं अपना स्पीकर जो है वो, तो इसको साइड में रख दिया हम। अब इसको हम ओपन करना है हमें, इसको ओपन कैसे करना है, ये इसके पे जो
कपड़ा है ना, इसको हटाने से पहले हम इसको ओपन करते हैं। ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को ओपन करते हैं। तो किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप लोग इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे। मैं हटा देता हूँ फटाफट से। इसको तोड़ना नहीं है, आराम से इसको आप लोग इससे थोड़ा सा ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। तो ये ऐसे निकल गया है, ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना, नहीं तो ये टूट जाएगा हुक, फिर ये बैठेगा नहीं इसमें। तो ये निकाल लिए। अब क्या करना है, ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े को आराम से ऐसे हटा करके फट जाएगा। इसके ऊपर बस वैसे ही चढ़ाया गया है और कोई दूसरा रिप नहीं किया गया। इसको आराम से नीचे की तरफ कर लेना है और खींच के इसको बाहर निकाल लेना है, हो गया। अब इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर बैटरी होती है उसको देखेंगे हम। तो इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, चार यहाँ पे आप लोगों को सुराख दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4। तो ये चारों इसमें पेंच होती हैं। थोड़ा आप लोगों का ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना है ना जो थोड़ा लंबा हो, वही उसी से खोल पाएंगे। छोटा सा हो तो उससे आप खोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहुँचेगा नहीं वहाँ तक। तो थोड़ा आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वो थोड़ा लंबा चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इसे चारों को ओपन कर लेना है। मैं फटाफट से ओपन कर ले रहा हूँ, मैं फटाफट से इसको ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए आप लोगों को इसके लिए कम से कम एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपके पास में, और एक आयरन होना चाहिए आपके पास में। बिजली नहीं है तो कोई बात नहीं, आयरन को आप लोग क्या करेंगे कि आपके यहाँ सिलेंडर है ना, गैस चूल्हा, उस पर गर्म करके आप इसको कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयरन तो चाहिए कम से कम आपके पास में, और एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिससे आप इसको ओपन कर सकें। तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम आराम से ऐसे उठा लेंगे हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि खींच के नहीं हटाना, कहीं चिपका, कितनी बार चिपका रहता है ना तो आपको ऐसे हटाना पड़ता है, किसी चिमटा से ऐसे हटा लेंगे। लेकिन ये खुल गया तो इसको आराम से ऐसे हटा लेना है, और हटा करके जो इसमें का जो बोल्ट है ना, उस बोल्ट को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी गिरा करके इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने अब इसको साइड में रख देते हैं। तो अब देखिए ये बैटरी और दो स्पीकर हैं इसके में, ऐसे ही सेट रहता है बिल्कुल। बैटरी बहुत अच्छी दी गई रहती है इसमें, इसके वजह से बहुत देर तक बैटरी अच्छा खासा चल पाता है। आपने यूज़ किया तो आपको मालूम होगा कि बैटरी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी चलती है। अब इसको ना हमें क्या करना है, इस बैटरी को जो है इसी को चेक करना है कि बैटरी, क्योंकि स्पीकर तो सही है, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, या तो बैटरी में प्रॉब्लम होगा या फिर इसमें सप्लाई नहीं पहुँच रहा होगा, यही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। या तो सप्लाई नहीं पहुँचेगा या तो फिर बैटरी में प्रॉब्लम होगा, दोनों में से कुछ है। तो हम बैटरी को देखते हैं फटाफट से, बैटरी सही है या नहीं। तो देखिए उसके लिए ना आप लोगों को क्या करना है ना, कि एक आप लोग को मीटर चाहिए। मीटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो देखिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ इस बैटरी को कि बैटरी सही है कि खराब है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ कि सही है कि खराब है। आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि यह बैटरी सही है या फिर ख़राब है, ठीक है। तो मैंने इसे चेक किया, ये बैटरी है डेड, ठीक है, ये बैटरी सही नहीं है, ठीक है। इसमें सप्लाई बैटरी में उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, इसका कार्बन जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ज़्यादातर समस्या क्या आता है कि बैटरी ही ख़राब हो जाती है। स्टेजी में यही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि स्टेजी में इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर में कि बैटरी ख़राब हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी ख़राब है तो आपको स्पीकर ऑन करके मिलेगा। आपको मैं बिना बैटरी के स्पीकर चला के दिखाऊंगा, आपका स्पीकर ऑन होगा, आप लोग आराम से इसको बजा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप वीडियो में लास्ट तक सिर्फ बने रहिएगा और देखिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बैटरी ख़राब है तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को बैटरी मिल जाता है मार्केट से तो आप ऐसा एक बैटरी लेकर के आएंगे और ला करके आप बैटरी बदल देंगे। देखिए प्लस वाले को प्लस वाले की तरफ लगाएंगे, ऐसा ये प्लस साइड होता है, देखिए ये होता है प्लस साइड, और जो बिल्कुल प्लेन होता है ना वो होता है माइनस साइड। तो एक वायर माइनस साइड में आप सोल्डिंग करवा लेंगे और एक वायर को प्लस में सोल्डिंग करवा करके इसको वहाँ पे लगा करके और ऑन कर लेंगे यहाँ पे लगा करके, तो वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को बैटरी मार्केट से नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाऊँगा किस तरह से ये ऑन हो जाएगा। चलिए बता देता हूँ फटाफट से कैसे आप लोगों को इसे चालू करना है बिना बैटरी के, बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चालू कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा बारीक काम करना पड़ेगा लेकिन चालू हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोगों को बिल्कुल देखना है बिना वीडियो को भगाए हुए। आप लोगों को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है। अब देखिए, अब तो इसको मैंने जैसा था वैसे ही मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है। अब पैक करके मैं इसको साइड में रखता हूँ। अब देखिए, अब मेरे को जो प्लेट में करना है ना, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है, क्योंकि थोड़ा बारीक काम यहाँ पे करना है तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके उसके बाद में दिखाता हूँ।
अब देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए हैं, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे, दो। तो इन दोनों को ना ओपन कर लेना है फटाफट से। आप लोग ओपन करके इस स्क्रू को बहुत अच्छे से संभाल कर रखें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा होता है और ये आप लोगों को फिर मिलेगा नहीं अगर खो दिया आप लोग तो। तो इसको बहुत ही संभाल करके रखना है, मैं रख ले रहा हूँ इसको, और इसको ऐसे ही बस नॉर्मली निकाल लेना है, ऐसे निकल जाता है बाहर ये प्लेट। ठीक है, देख रहे हैं ना ये प्लेट बाहर निकले हैं। अब जो भी करना है ना हमें इस प्लेट में ही करना है दोस्त। कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग का बैटरी सही है, आप लोग को मालूम है आपके पास मीटर है, अपने चेक कर लिया कि मेरा बैटरी भी सही है, ठीक है, और प्लेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम फिर क्या हो जाती है ना कि सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो वो आप लोगों का अगर बैटरी सही है और फिर भी चालू नहीं हो रहा है, तो उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक लिंक शो हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर में आप लोगों को एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों को पूरा वहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि आपका बैटरी ख़राब है, चार्जिंग जैक उखड़ा हुआ है, फिर भी आप किस तरह से आपने अपने TG को चलाना है, अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करके चलाना है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर के अच्छे से देख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों का बैटरी ख़राब है तो आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से अच्छी तरह से देखिए। देखिए इसमें क्या करना है ना, ये देखिए बढ़िया से इसको देख रहे हैं आप लोग, फटाफट से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एकदम ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये देख रहे हैं ना आप, ये डाटा केबल लगाने वाला होता है ये, ठीक है। इसमें चार पॉइंट होता है, 1 2 3 4, चार पॉइंट इसमें होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, और ये है बैटरी के लिए, ये जो जंपर ये जो है ना, ये दो पिन जो हैं ये बैटरी के लिए और ये स्पीकर के लिए होता है। मैंने आप लोगों को बोला था पहले ही कि खोलने से पहले आप लोग ध्यान से इसे देख लेंगे। तो ये हो गया बैटरी के लिए और ये हो गया स्पीकर के लिए। पलट के देखेंगे ना तो यहाँ पे L-L+ लिखा होगा, देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा है L+L- लिखा है, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों के बैटरी का, ठीक है, L वाला जो L+ लिखा है वो उसमें प्लस वाला, और L- लिखा है वो उसमें माइनस वाला। लेकिन कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को ना ऐसा कोई कॉपर वायर लेना है, इस तरह का ऐसा कॉपर वायर ले करके, मिल जाता है कहीं भी मिल जाता है ऐसा कॉपर वायर ले करके, उसमें से ना दो टुकड़ा ले लेना है, इतना बड़ा बड़ा, देख दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, इतना बड़ा बड़ा आप लोगों को दो टुकड़ा कर लेना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है दो, और दोनों को देखिए कहाँ से कहाँ पर इसको जंपर मारना है, बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग, ध्यान से आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, एक वायर को सोल्डिंग करना है, ये जो यहाँ पर डाटा केबल लगाने वाला है ना, इसके यहाँ पर पॉइंट पर दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, जूम करके, रुकिए एक मिनट। देखिए यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दिया, कहाँ पे मैंने सोल्डिंग किया है ये देखिए अच्छे से आप लोग, ये मैंने सोल्डिंग किया है जो डाटा केबल लगाने वाला होता है उसके एक पॉइंट पे मैंने इसको सोल्डिंग कर लिया इस वायर को, ठीक है। अब इसको कहाँ पे जॉइंट करना है, तो ये माइनस वाला है, ठीक है, ये जो होता है ना पॉइंट, ये पूरे डाटा केबल का ये माइनस का होता है, ठीक है, ये वाला ये जो पॉइंट होता है चारों ये माइनस का होता है। इसको हम कहाँ पर जॉइंट करेंगे, जो बैटरी का माइनस होता है ना वहाँ पर जॉइंट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो बैटरी का माइनस कौन सा होता है ये देखिए, ये जो L- लिखा है ना, L- लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे L- लिखा है और ये लिखा है L+, ठीक है, L- L+। तो ये L- वाले पे हम इसको क्या करेंगे कि जॉइंट कर देंगे, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। तो L- वाले पे मैंने इसको क्या कर लिया कि जॉइंट कर लिया, देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे मैंने L- पे इस पर जॉइंट कर लिया। अब एक और वायर हमें जॉइंट करना है, ठीक है, एक और वायर जॉइंट करना है हमें, मैंने वो भी ले के रख रखा है, ये देखिए ये मैंने ले रखा है पहले से ही, एक और वायर जॉइंट करना है। इसको हम उठाएंगे कहाँ से, ये जो L+ दिया गया है ना, L+ पर से हम इसको उठाएंगे, ठीक है, जॉइंट करेंगे L+ पे, जो ये L+ लिखा है ना इस पर से जॉइंट करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ एकदम, यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लिया यहाँ पर, और इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा वाला वायर है इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे ये अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है ये देख लीजिए। आपको अपने प्लेट में ना, पूरे प्लेट में आप लोगों को ढूंढना है, आपको पूरे प्लेट में कि आप लोगों को ऐसा IC जो है ना, ये वाला IC कहाँ पर है, ये IC दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला IC, ठीक है, ये वाला IC देख रहे हैं ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, इसमें देख लीजिए बढ़िया से इसको पहचान लीजिए। इसमें तीन पॉइंट दिया गया, इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ में 2 पॉइंट दिया गया है। तो आपको इसको कहाँ पे जॉइंट करना है, ये जो वायर है ना, जो मैंने वायर ये प्लस से जो उठाया था उसको जो जॉइंट करना है वो यहाँ पे जॉइंट करना है, ठीक है, इधर वाले पे, ये दो साइड दो दिया गया है पॉइंट, इधर 1 2 और इधर 1 2 3 दिया गया है।
तो इसी वाले आईसी में ज्वाइंट करना है, ठीक है, दूसरे आईसी में नहीं करना है। और जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना वहीं पे करना है आप लोगों को, मैं कर ले रहा हूँ फटाफट। तो मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया यहाँ पे, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया, देख रहे हैं ना। यहीं पे आप लोगों को भी ज्वाइंट कर लेना है, फटाफट से एक बार देख लीजिए। इस वाले आईसी से एक जम्पर उठाएंगे, ये एक वायर ज्वाइंट करके, और जो बैटरी का प्लस वाला होता है, बैटरी का प्लस एल प्लस जो लिखा है यहाँ पे, इसमें ज्वाइंट कर देंगे। और बैटरी का जो माइनस वाला होता है वहाँ से उठाएंगे एक, और वहाँ से उठा करके और ज्वाइंट कर देंगे हम लोग इसमें, ठीक है। ये डाटा केबल लगाने वाला होता है, इसमें लग कर देंगे। देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए, बढ़िया से, ये जो वायर था ना ये प्लस वाला, तो बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए बी माइनस लिखा है ना, बी माइनस और बी प्लस, तो यहाँ पे एल प्लस एल माइनस पे नहीं लगाना था, जो एल प्लस वाला था उसको बी प्लस पे लगाना था, और एल माइनस वाला था उसको बी माइनस पे लगाना था, ठीक है। जो एल माइनस पे जो मैंने कनेक्ट किया था ना उसको बी माइनस पे कनेक्ट करना है, और एल प्लस जो है उसको बी प्लस पे कनेक्ट करना है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, तो ये इस तरह से आप लोग कर लेंगे ज्वाइंट। अब अगला प्रोसेस क्या है ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये हो गया ना, इसके बाद में हमें क्या करना है कि प्लस वाला तार जहाँ पर प्लस में था, जहाँ बैटरी ज्वाइंट किया था ना, बैटरी जहाँ बी माइनस बी प्लस लिखा था उसी में लगा लेना है बैटरी वाला वायर, और स्पीकर वाला वायर जहाँ पे स्पीकर लगता है वहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद में हमें इसे चालू करना है, ठीक है। जैसे चालू करता है ना आप सिंपली, सिर्फ वैसे ही आप लोग सिर्फ यहाँ पर बटन पर दबाना है, दबा करके आपको चालू करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ यहाँ पर, और ये अभी हमारा स्पीकर क्या हो गया, चालू हो गया हमारा स्पीकर। तो इस तरह से आप अपना खराब स्पीकर का, ब्लूटूथ स्पीकर को आप सही कर सकते हैं। तो दोस्त इसी बात पे आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहते हैं, जिससे को देख करके आप लोग अपना ब्लूटूथ नेकबैंड स्पीकर ब्लूटूथ सब कुछ आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने ब्लूटूथ स्पीकर को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।